एंड आई एम सृष्टि सक्सेना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिवाली आ रही है, तो इस दिवाली को स्पेशल बनाने के लिए हम दोनों कुछ DIYs बनाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। वाटर कैंडल बनाने के लिए हमें कुछ सामान की जरूरत है, जैसे कि ग्लासेस, ऑयल, पेंट कलर एंड कुछ डेकोरेशन भी आप ले सकते हैं एंड पानी। अब हमें एक ग्लास में पानी कर लेना है, उसके बाद उसमें डेकोरेशन के लिए मोती डाल सकते हैं, फिर थोड़ा पेंट कलर मिला लेना है कलर चेंज करने के लिए। अब हमें पिन्नी का एक सर्कल ले लेना है, उसे ट्रायंगल शेप में करके उसे कॉर्नर से कट कर देना है, जिससे सर्कल आ जाए। फिर हमें रुई की पट्टी लेके इस शेप में डालनी है एंड उसे तेल लगा के पानी में डाल देनी है। कैंडल बनके तैयार है। तो वॉट कैंडल बनाने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए, जो कि है हमारे पेंट कलर, पॉट, कैंडल वैक्स, पेंट ब्रश और पानी। पहले हमें अपने पॉट को व्हाइट कलर से पेंट कर लेना है, जिससे कि उसके सारे कलर अच्छे से दिखे। इसे सूखने के लिए रख देना है। अब हमें इस पे अपनी मर्जी से कोई से भी कलर की स्ट्रिप्स या कोई डिजाइन बना देना है। मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स ड्रॉ कर रही हूँ, आप कोई और डिजाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने इस पे रेड कलर किया है।
बन के तैयार है, ये जम चुकी है। अब हम इसका पेंट रिमूव करके देखेंगे कि कैसी लगती है, तो देखते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमारी कैंडल जलने के बाद ही बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको लाइटिंग यूज करके दिखाती हूँ कैसी लगती है ये। सो फ्रेंड्स, जब मैं अपनी कैंडल बना रही थी, इसके लिए जब मैं अपनी कैंडल लाइट फिल कर रही थी, तब थोड़ी सी वो गिर गई थी हमारे स्लैब पर। तो जैसे फाइनल क्राफ्ट में दिखा थी कि चम्मच से, मतलब मेल्टिंग मैक्स लिए, चम्मच से उठा के और ऐसे ऐसे करा दी, उसे सुखा के वो रोज कैंडल बनाती। तो मैंने ये कुछ ऐसे ही ट्राई करा था, ये कुछ ऐसे ही निकल बन के आया है, छोटा सा रोज लग रहा है ये, पता नहीं आपको लग रहा है लग रहा है। हाँ, इधर से तो ये छोटा सा रोज लग रहा है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो ये यहीं खत्म होता है। आपको इन दोनों कैंडल्स में से कौन सी कैंडल पसंद आई वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाय बाय बाय। हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।